तो चलिए अब हम इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब यदि हम इन दोनों नंबर्स के बीच में एक और नंबर कैपिटल ए इस प्रकार से इंसर्ट करें कि ये तीनों नंबर मिलकर एक एपी बनाते हैं, तब हमने जो नंबर इंसर्ट किया है कैपिटल ए, वह स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अब हम कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की टर्म्स में फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी एक एपी बनाते हैं, तब स्मॉल ए एंड कैपिटल ए का डिफरेंस यानी कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए और कैपिटल ए एंड स्मॉल बी का डिफरेंस यानी कि स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, इन दोनों की जो वैल्यूज है वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करके कैपिटल ए की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब हमें कैपिटल ए की वैल्यू ए प्लस बी अपॉन टू के इक्वल मिलेगी। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट ही स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें नंबर्स 10 एंड 20 का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो यहाँ देखें तो ए की वैल्यू 10 के इक्वल होगी और बी की वैल्यू 20 के इक्वल होगी। अब इन दोनों नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होगा वह 10 प्लस 20 अपॉन 2 के इक्वल होगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें 10 एंड 20 का जो अर्थमेटिक मीन है वह 15 के इक्वल मिलेगा। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 10, 15 एंड 20 एक एपी बनाते हैं। यहाँ देखें तो हमने गिवन नंबर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में केवल एक नंबर कैपिटल ए इंसर्ट किया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम गिवन टू नंबर्स के बीच में दो या दो से अधिक नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट करने के बाद में जो हमें सीक्वेंस मिलती है वो एक एपी हो? फॉर एग्जांपल यदि हम नंबर्स 3 एंड 12 की बात करें, तो यदि इन दोनों नंबर्स के बीच में हम 6 एंड 9 इंसर्ट करें तो हमें एक सीक्वेंस मिलेगी और वो सीक्वेंस होगी 3, 6, 9 एंड 12। अब यदि इस सीक्वेंस के किन्हीं भी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करें तो वह हमें 3 के ही इक्वल मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम 3 एंड 12 के बीच में दो और नंबर्स 6 एंड 9 इंसर्ट करें तो जो सीक्वेंस बन रही है वो एक एपी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गिवन टू नंबर्स के बीच में हम 2 या 2 से अधिक नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें जो सीक्वेंस मिलेगी वो एक एपी होगी। अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या हम ऐसे ही यानी कि रेंडमली नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब हम किन्हीं भी दो गिवन नंबर्स के बीच में नंबर्स कैसे इंसर्ट करते हैं ये हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास टू गिवन नंबर्स है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हम एन और नंबर्स A1, A2, A3 अप टू An इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं कि इंसर्ट करने के बाद में जो हमें सीक्वेंस मिल रही है वह एक एपी है। अब हम A1, A2, A3 अप टू An इन सभी की वैल्यूज हम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की टर्म्स में फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें केवल स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यू ही पता है। अब जो हमें एपी मिली है A, A1, A2, An, B, उसमें यदि हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो वह n प्लस 2 के इक्वल है। अब माना इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो d के इक्वल है। अब इस एपी की लास्ट टर्म की बात करें तो वह n प्लस 12th टर्म होगी और इसकी वैल्यू b के इक्वल होगी। अब यहाँ हम n प्लस 12th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू d और ये वैल्यू b के इक्वल होगी। अब इस इक्वेशन में देखें तो हमें a पता है, n हमें पता है क्योंकि हमने नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट की है, d की वैल्यू हमें पता नहीं है
और बी की वैल्यू हमें पता है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तब हमें डी की वैल्यू मिलेगी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अब हम यह देख सकते हैं कि जो हमने एपी बनाई थी उसकी फर्स्ट टर्म पता है हमें, उसकी लास्ट टर्म पता है हमें, और उस एपी के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वह भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन की वैल्यूज ए बी एंड एन की टर्म्स में फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम ए वन की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ए वन है वो ए पी की सेकेंड टर्म है, तो ए वन को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी। अब यहाँ से डी की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तब हमें ए वन की वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। अब नेक्स्ट हम ए टू की बात करें तो ए टू की वैल्यू होगी ए प्लस टू डी के इक्वल, और यहाँ पे अगेन हम डी की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन रखेंगे तो हमें ए टू की वैल्यू मिलेगी ए प्लस टू इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इसी तरह यदि हम ए थ्री की बात करें तो ए थ्री की वैल्यू होगी ए प्लस थ्री डी के इक्वल। जब हम इसमें डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तब हमें ए थ्री की वैल्यू मिलेगी ए प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इसी प्रकार से यदि हम ए एन की बात करें तो ए एन की वैल्यू होगी ए प्लस एन डी के इक्वल, और जब हम इसमें डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तब हमें ए एन की वैल्यू मिलेगी ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो हम यह देख सकते हैं कि हमें ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन की वैल्यू ए बी एंड एन की टर्म्स में मिल गई है। अब इन फॉर्मूलोज का यूज करके हम किन्हीं भी टू गिवन नंबर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल पी के बीच में एन नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। इन सभी की वैल्यूज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में इन फॉर्मूलोज के अकॉर्डिंग जब हम इंसर्ट करते हैं तो जो हमें सीक्वेंस मिलती है वह भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होती है। अब काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यदि हम स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में हम एक नंबर इंसर्ट करते हैं तो उसे हम अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अब यदि यहाँ पर देखें तो हमने स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच में एन नंबर्स इंसर्ट किए हैं तो अब हम इन्हें क्या कहेंगे? इन सभी को यानी कि ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन को भी अर्थमेटिक मीन ही कहा जाता है। बस फर्क इतना है कि इनको हम डायरेक्ट ये बोलते हैं कि ए एंड बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं।